हेलो गाइस, कैसे हो? आए हो पापा, अच्छे होंगे। आज वीडियो में बात करने वाले हैं क्या पीएम किसान का ई केवाईसी ओटीपी बेस पर किस प्रकार कर सकते हैं। यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो आप ओटीपी देकर पीएम किसान का जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली डन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल को ओपन कर लेना है, उसके अंदर आपको सर्च कर लेना पीएम किसान। फर्स्ट में वेबसाइट मिल जाता है pmkisan.gov.in का, तो इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। इधर आपको ई केवाईसी का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस आइकन पर क्लिक कर देना है, इस सर्च वाले आइकन पर। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इधर आपको अपना आधार नंबर को एंटर कर लेना है, उसके बाद हमको सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपका आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर कर लेंगे। फिर आपको गेट मोबाइल ओटोपे पर क्लिक कर देना है, फिर आपके ओटोपे सक्सेसफुली सेंड कर दिया जाएगा। इधर आपको ओटोपे को एंटर कर लेना है, आपके रजिस्टर मोबाइल पर जो ओटीपी आया है 4 डिजिट का वो यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद में सबमिट ओटीपी बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको गेट आधार ओटीपी वाले बटन पर फिर से आपको क्लिक कर देना है, और इधर आपको फिर से एक ओटीपी चला गया आधार बेस पर, तो जो 6 डिजिट का जो ओटीपी आया उसको यहाँ पर दोबारा से एंटर कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं जो भी यहाँ पर ओटीपी हमें रिसीव हुआ है। उसके बाद में सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि ई के वाई सी इज़ ऑलरेडी डन। तो यदि आपका ई के वाई सी ऑलरेडी डन नहीं बताएगा तो यहाँ पर बता देगा आपका ई के वाई सी सक्सेसफुली डन हो चुका है। यदि आप एक ई के वाई सी कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी आप ई के वाई सी दोबारा करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी डन ऐसा मैसेज देखने को मिल जाता है। तो हमारा यहाँ पर ई के वाई सी वो पहले से हो चुका है। यदि आपका नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर आपका ई के वाई सी है वो हो जाएगा, यहाँ पर सक्सेसफुली का जो मैसेज है आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार आप आधार ई के वाई सी है डन कर सकते हैं फ्रेंड्स। यदि आपका ऑटोपे बेस पर ई के वाई सी डन नहीं हो रहा, कुछ इश्यू आ रहा है, तो आप सी एस ए सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक के थ्रू भी ई के वाई सी डन करा सकते हैं। यदि सी एस ए के थ्रू कराते हैं वहाँ पर बायोमेट्रिक लगाते हैं वो पेमेंट नहीं करता है और आपका सक्सेसफुली ई के वाई सी हो जाता है, वो दोबारा करते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी बताता है, तो आपको पेमेंट कटाने का कोई ज़रूरत नहीं। आपका ई के वाई सी कम्प्लीट होना चाहिए, मेन मकसद ये नहीं कि आपका पेमेंट कटना चाहिए। तो ई के वाई सी डन होना चाहिए, तो आपका ई के वाई सी डन हो चुका है तो आपको टेंशन मत लेना, आपका ई के वाई सी हो चुका है, पेमेंट कटे ना कटे उसे को आपका कोई मतलब नहीं, आपका ई के वाई सी होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो फ्रेंड्स।